हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे डीपी हाइड करने वाले वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस तरह के जो भी व्यक्ति वीडियो बना रहे हैं उनके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, बिल्कुल आसानी से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फाइनली आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद सिंपल आपको करना है कि प्ले स्टोर ओपन करना है और आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है बैकग्राउंड इरेजर। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसे हम बैक करते हैं और ये जो आपको देख सकते हैं होम स्क्रीन, इसे आपको एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। इसके बाद सिंपल आपको लोड ए फोटो पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपने स्क्रीन शॉट लिए थे, इसके बाद इमेज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डन करना है। डन करने के बाद मैजिक पे क्लिक करना है। इसे आपको कुछ इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। आपके फूल आपको क्लीन कर देना है। तो मैं फटाफट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैं बिल्कुल क्लीन कर दिया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, डन करना है। इसके बाद सिंपल आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ये इमेज आपको गैलरी में सेव हो जाएंगे, इसे बैक करना है। इसके बाद टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करना है। टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मी पे क्लिक करना है। मी पे क्लिक करने के बाद एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेंज फोटो का, सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपने पीएनजी में इमेज को सेट किए थे उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंफर्म करना है और इसके बाद इसे आपको सेव कर देना है। और देख सकते हैं इमेज जो हमारा गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद हमें सेकेंड अकाउंट को ओपन करना है। इसके बाद सर्च करके देखना है हमें क्या इमेज जो हमारा सेव हो चुका है। सिंपल हम सर्च बार में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं टेक्निकल शैलेंद्र। इसके बाद सिंपल हमारा देख सकते हैं यहाँ पर आईडी ओपन हो चुका है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे, किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डीपी है हाइट हो चुका है, जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है वही यहाँ पे आपको डीपी दिख रहा है। तो इस तरह से आप चाहे तो अपने डीपी को हाइट कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।